मनीष सिंह की मृत्यु के 7 दिन बीत चुके हैं, अब तक ऐसा कुछ भी इस मामले में खुलासा नहीं हो पाया। क्या कुछ मांग कर रहे हैं मुखिया जी? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है, जो मेरा भाई का हत्या किया है, उसको सामने लाया जाए, और जिसके नाम पे भाभी मेरी एप्लीकेशन दी थी, उसको कल रात में पैसा लेके छोड़ दिया गया है, गुप्त सूचना मिला है। प्रशासन तो अभी भी बोलता है रखा हुआ, लेकिन घर के कोई बगल का ही हम लोग जाके देख के आए हैं। ब्रजेश साहब आराम से अपना मौज मस्ती कर रहा हूँ, यही बोलिए जंगल राज हो गया, पैसा फेंकिए, मर्डर कीजिए, आम बात है, ये सब हो गया प्रशासन के लिए। पुलिस इसको दुर्घटना बता रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब चीज दे चुके हैं, बाइक में एक भी खरोच नहीं है, कुछ है ही नहीं। पब्लिक से लेके आप लोग भी बाइक चलाते होंगे, कभी ना कभी लाइफ में कभी कभी कहीं गिरे भी होंगे, उसका अनुभव से खुद आप लोग बता सकते हैं कि वो एक्सीडेंट है कि मर्डर है। क्या क्या चाहते हैं लगता आप है लोग? घटना के पीछे आखिर क्या हुआ होगा? कौन कौन घटना के लोग हो सकते पीछे? हैं उसके पीछे? घटना के पीछे कोई बाहरी आके मारा है, कोई मरवाया है, लोकल का किसी का हाथ नहीं है। ब्रजेश साहब हो सकता है किसी को पैसा देके मरवा दिया हो। क्या चाहते हैं आप लोग? वही न्याय चाहते, और क्या है? ये 9 दिन होने चुका, अभी तो कुछ नहीं पता चला। इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। दोषी को सजा मिले। तो दो दो ठो बच्चा है, वो हमेशा पापा पापा चिल्लाता रहे, कम से कम ये तो बोलेंगे हाँ पापा का ये एक्सीडेंट हुआ था, मर्डर हुआ था, कोई मार दिया, कुछ तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा को? कुछ तो बोलेंगे, कम से कम बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास कुछ। उस बच्चा को क्या बोलेंगे आगे जाके? जिस घर पे आया बेजर साहब बोला कि अपना पति को निकालिए नहीं तो जान से मार देंगे। हम लोग बोले कि नहीं है घर पे, तो बोला कि नहीं निकालो घर पे ही है। हम लोग बोले कि नहीं नहीं है घर पे, पूरा धमकी दिया, पूरा उल्टा सीधा बोला बोला कि नहीं निकालवे करो। हम बोले कि नहीं जाइए ना तो अभी बुला दें, तो बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर भी जबरदस्ती कर रहा था हम लोग के साथ, फिर भी पूरा किया, बहसा बहसी किया। हम लोग 2 गो थे लेडीज घर में, कोई घर पे नहीं थे, जेंट्स में सास ससुर कोई नहीं थे, बच्चा भी सब स्कूल गया था, कोई नहीं थे। फिर भी हम लोग माना करे, फिर उल्टा सीधा गाली गलौज किया हम लोग के दोनों को, फिर चला गया। फिर 3 दिन के बाद घर, फिर रात में 8 बजे आया, फिर एक दिन फिर दोबारा फिर से आया। फिर रात को आया तो बोला कि अभी तक नहीं आया है। फिर बोला वो, हम बोले कि नहीं अभी नहीं आए हैं, कोई नहीं आए हैं। बोला कि नहीं जब तक रात फिर हो आप लोगों को फोन गई, किया गया तब तक वो लोग भाग गया था। क्या चला गया। घटना हुई है? मर्डर हुआ है सर, कोई गाड़ी में खरोच कहीं पर नहीं है, हम गाड़ी पूरा छानबीन किए, कहीं भी खरोच नहीं है। ये मर्डर हुआ है कि घर के सामने मर्डर होके निकल गया, तो ये मर्डर ही नहीं कहेगा सर। क्या मांग करते हैं? हमको न्याय चाहिए सर। आज तभी तक कोई पुलिस थाना नहीं आए हमसे पूछताछ करने, यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ हमसे पूछताछ करने आते ना, हमसे पूछते क्या हुआ नहीं हुआ, कोई भी नहीं आए हैं पूछने। आज अभी तक इतना घटना हो गया लेकिन नहीं आए हैं, कोई कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम अभी तक नहीं जाना है कि क्या कार्रवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो हमको चाहिए ना इंसाफ, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है हमको। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, हमको इंसाफ चाहिए ना। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि हमको इंसाफ चाहिए, कोई नहीं आया है इंसाफ देने के लिए। देखिए आज मनीष जी के परिजनों से आज मिले हैं, दिवंगत आत्मा को शांति का भी हम लोग भगवान से कामना करते हैं। और दूसरी बात है कि अब देख रहे हैं कि आश्रम रोड में जिस तरह से घटना हुई है, अब ये घटना से सभी लोग भयभीत हैं कि सच में आज तक 7-8 दिन होने को चला है और अभी तक प्रशासन के द्वारा उद्भेदन नहीं किया गया है। परिजनों का मांग है और पूरे यहाँ के जितने भी बिशुनपुर आश्रम रोड के जितने भी लोग हैं, सभी लोग का ये मांग है कि घटना का अभी तक उद्भेदन नहीं होना यह दुर्भाग्य है। इसलिए अब हम भी एसपी साहब से बात किए हैं, परसों भी बात हुई थी, उनके द्वारा कहा गया है कि हम लोग भी प्रयास में हैं कि जो दोषी हैं वो जाएंगे, जो निर्देश है वो छूटेंगे। लेकिन मेरा भी प्रयास, मेरे द्वारा कहा गया कि अभी तक आपके द्वारा क्या कार्रवाई है, तो उनके द्वारा ही कहा गया हम भी उनको बोले कि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, बाकी जो दोषी है वो छूटना नहीं चाहिए। अभी फिर से हम लोग एसपी साहब से बात किए हैं और कल यहाँ के जितने भी कुछ समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी, उनको लेकर हम लोग प्रतिनिधि मंडल कल 11 बजे समय मिला है। हम लोग बात करेंगे कि अभी तक आपके द्वारा क्या कर रहा है और अभी तक उद्भेदन क्यों नहीं हुआ। अगर उद्भेदन नहीं होता है तो फिर अगले स्तर से जो लोगों का मांग है, जो जनता का मांग है, उसको लेकर जो है आंदोलन किया जाएगा। इस पूरे मामले में परिजनों का जो कहना है कि ये हत्या का पूरा पूरा मामला है। देखिए जो परिजनों का कहना है, जिस तरह स्थिति हम लोग भी देख रहे हैं कि किसी तरह से मोटरसाइकिल में कोई खरोच नहीं है और जिस तरह सर में वार हुआ है, तो प्रथम दृष्टि हम लोग को भी अपना स्तर से सामाजिक जीवन में हम लोग देखते आ रहे हैं कि हत्या का भी मामला है।
और इस हत्या का मामला में क्या राज छुपा हुआ है, प्रशासन को अविलंब इसको उद्भेदन करना चाहिए। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, परिजन सवाल उठा रहे हैं। इससे स्वाभाविक है, पुलिस अब 7-8 दिन हो गया, पुलिस आप क्या मामला है उसको लोगों को बता नहीं रहे हैं, परिजन को या तो उद्भेदन नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक है पुलिस पर मामला उठना या पुलिस के ऊपर जो है इस तरह का सवाल तो उठता ही लोगों को।